ऐसे इंसान होंगे जो इस सूरज की गर्मी से इतना परेशान होंगे कि पसीने में डूबे हुए होंगे, वहीं पर अल्लाह के नेक बंदे चंद उनकी ऐसी नेकियां होंगी जिसकी वजह से अल्लाह अपनी रहमत से, अल्लाह अपने अर्श के साये में उनको रखेंगे। सात किस्म के लोग हम जानते हैं जो अल्लाह के अर्श के साये में रहेंगे, उनमें से एक कौन है वो, जो एक दूसरे से अल्लाह के खातिर मोहब्बत करता है। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो क्या होता है, दुनिया की गरज के लिए या एक अल्लाह ने रिश्ता रखा है चलो ठीक है मोहब्बत कर लेंगे, नहीं, अल्लाह को राजी कर रहे हैं, अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करना और दुनिया की गरज के लिए या एक जिस एक जो हमारी फितरी मोहब्बत होती उसके लिए करना, ये अलग चीज़ हो गई। अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए किसी से मोहब्बत करना, अल्लाह की रजा के लिए किसी से नफरत करना, अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत जो करते हैं एक दूसरे के लिए, अल्लाह के अर्श के साए में रहेंगे। बच्चा जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हुआ होता है, वो हर बार मस्जिद से जुड़ा हुआ होता है, वो हर नमाज जाकर पढ़ता है, वो अल्लाह के अर्श के साए में रहेगा। वो अदल वाला जो हाकिम होता है, जस्ट रूलर होता है, वो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। और एक किस्म क्या बताई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो शख्स जो अपने दाएं हाथ से जब खैरात करता है तो उसके बाएं हाथ को पता ही नहीं चलता। तो हमने की ऐसी खैरात, जहां दाएं हाथ से खैरात करेंगे तो बाएं हाथ को मालूम नहीं होगा। आज हम कुछ भी अगर रकम खैरात के लिए निकालते हैं, अल्लाह के दीन के लिए, गरीबों के लिए, किसी के लिए भी खैरात निकाल लेंगे तो हमारे पास ऐसा लिखा हुआ होता है, हमारे जहनों में लिखा होता है, हाँ मैंने दी थी फुला वक्त फुला मुकाम पर हमने दे दी, इतनी कम हमारी खैरात हो गई। जबकि सहाबा साहबियात उम्महातुल मोमिनीन खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे ही कोई तोहफा मिलता है, जैसे ही कुछ माल आता, उसको हमने देखा कि अक्सर देखा अल्लाह के रसूल सल्लम उसको खैरात कर देते। तो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे कौन रहेंगे, अल्लाह के अर्श के साए में कौन रहेंगे, जो दाएं हाथ से खैरात करता है तो उसके बाएं हाथ को पता नहीं चलता। और एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जब अल्लाह को याद करता है अल्लाह से डर के, अल्लाह से मोहब्बत में, हर एतबार से जब अल्लाह को याद करता है और उसके आँख से पानी जाता है, आँख उसके नम पड़ जाते हैं, आँख से आंसू गिर जाते हैं, वो भी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे इस क़यामत की हौलनाकी में, इस मैदान महशर में होगा। अभी हमारे हाथ में, हमको जो अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, 50-60 साल की जो हमारी ज़िंदगी है, 70-80 साल की जो हमारी ज़िंदगी है,